गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिसोर्स एंड देयर टाइप्स। तो रिसोर्स एंड देयर टाइप्स में सबसे पहले जो पढ़ना है हम लोग को वो है रिसोर्स। तो रिसोर्स क्या है? रिसोर्स क्या है? एनी सब्सटेंस व्हिच इज ऑफ सम यूज ऑफ ह्यूमन इज कंसिडर्ड एज रिसोर्स। मानो कि कोई भी एक चीज, ठीक है, ये लैंड है, ये लैंड को जब हम लोग के काम के ऊपर, यहाँ पर हम लोग एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं या फिर कोई घर मकान बना लिए, ठीक है। तो जब हम लोग ये लैंड जो है, लैंड को क्या करेंगे, हम लोग की यूजेस के ऊपर उसे यूज़ करेंगे, ठीक है, उसे तभी हम लोग वो लैंड जो है उसे हम लोग रिसोर्स कहेंगे। तो और एक चीज़ कह सकते हैं, एनीथिंग दैट हैज़ द यूटिलिटी टू सेटिस्फाई आवर वांट्स इज नोन एज द रिसोर्स। तो ये क्या है? ये एक सब्सटेंस है। ये सब्सटेंस को हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग का यूजेस के ऊपर यूटिलाइज करके, ठीक है, इसे जब हम लोग यूटिलाइज के और सेटिस्फाई के लिए क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, तभी इसे हम लोग रिसोर्स कहेंगे। समझ में आया? तो रिसोर्स जो है, रिसोर्स के ऊपर दो फैक्टर है जो क्या करता है, दो फैक्टर जो है वो चेंज करता है कोई भी एक सब्सटेंस को रिसोर्स में। एक ये लैंड को रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए दो फैक्टर हम लोग को ज़्यादा जरूरी है, वो क्या है, एक है टाइम और एक है टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये जो लैंड है इसे हम लोग जब रिसोर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, सब्सटेंस यानी कि ये सब्सटेंस है, ठीक है, ये सब्सटेंस को हम लोग जब रिसोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग को ये दो फैक्टर जो है, ये दो फैक्टर को यूज करना है। जैसे कि ये सब्सटेंस को जब हम लोग रिसोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो एक टाइम चाहिए हम लोग को, ठीक है, इतना दिन तक या फिर इतना साल तक, उसके बाद ही तो वो जाके वो सब्सटेंस क्या होगा, रिसोर्स में कन्वर्ट होगा। उसके बाद उसे कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को टेक्नोलॉजी चाहिए। तो ये जो दो फैक्टर है, ये फैक्टर क्या करता है, कोई भी एक सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट करने में हम लोग को सहायता करता है। तो अभी हम लोग आएंगे टाइप ऑफ रिसोर्स। तो टाइप ऑफ रिसोर्स में देखो, बेसिकली रिसोर्स जो है, रिसोर्स को तीन डिवीजन में डिवाइड किया गया है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्स जो है वो क्या है, जो रिसोर्स हम लोग को नेचर से मिलता है, ठीक है, नेचुरल जो है, यानी कि जैसे कि मान लो रॉक्स, उसके बाद आयरन, उसके बाद और भी जो भी चीज़ है नेचुरल में जो हम लोग को मिलता है वो है नेचुरल रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्स जो है उसको फिर क्या किया गया है, डिफरेंट बेसिस के ऊपर उसको डिवाइड किया गया है। जैसे कि नंबर वन जो है, नंबर ए, वो क्या है, बेसिस ऑन डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करके रिसोर्स जो है उसे दो डिवीजन में डिवाइड किया गया है, एक है एक्चुअल रिसोर्स, एक है पोटेंशियल रिसोर्स। तो एक्चुअल रिसोर्स क्या है, एक्चुअल रिसोर्स, देयर आर द रिसोर्स हुज क्वांटिटी इज नोन एंड आर इन यूज इन द प्रेजेंट, जो हम लोग प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया, ठीक है। तो प्रेजेंट में जो रिसोर्स है, रिसोर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं,
एक्चुअल में उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, यूजेस कर रहे हैं प्रेजेंट में, ठीक है। वो हो गया एक्चुअल रिसोर्स। पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल रिसोर्स, देयर आर रिसोर्स हुज एंटायर क्वांटिटी मे नॉट बी नोन एस एंड आर रिजर्व फॉर फ्यूचर कंजम्पशन। यानी कि ये पोटेंशियल रिसोर्स जो है, पोटेंशियल यानी कि ये कितना है ये हम लोग को पता नहीं है, इसका क्वांटिटी कितना है वो हम लोग को पता नहीं है, मगर हम लोग इसे फ्यूचर यूज़ के लिए रख सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर यूज़ के लिए रखे हुए हैं, तो जैसे कि लद्दाख का क्या यूरेनियम, ठीक है, ये हो गया क्या एग्जांपल्स। उसके बाद बेसिक ऑन, बेसिस ऑन ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर दो है, एक है एबायोटिक और एक है बायोटिक। तो एबायोटिक और बायोटिक आप लोग को तो पता ही है। एबायोटिक कौन सा है, जो क्या होता है, जो रिसोर्स नॉन लिविंग थिंग्स के, इट इंक्लूड्स ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। देयर आर द रिसोर्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स लाइक सॉइल, रॉक्स एंड मिनरल्स, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि रॉक्स, मिनरल्स, ठीक है, ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। तो नॉन लिविंग थिंग्स से जो रिसोर्स हम लोग को मिलता है वो है एबायोटिक रिसोर्स, और बायोटिक ठीक उसका उल्टा, यानी कि जो लिविंग थिंग्स से मिलता है हम लोग को। देयर आर द रिसोर्स दैट आर डिराइव फ्रॉम लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स से हम लोग को जो रिसोर्स मिलता है। ठीक है, तो हो गया हम लोग का बायोटिक रिसोर्स। नेक्स्ट, बेसिस ऑन रिन्यूएबिलिटी, यानी कि जिसे हम लोग रिन्यूएबल कर सकते हैं, रिन्यूएबल एक और एक नॉन रिन्यूएबल, यानी कि जिसे हम लोग फिर से, यानी कि यूज़ हो गया उसके बाद उसको फिर यूज़ कर सकते हैं जो रिन्यू करके, ठीक है। तो वो हो गया हम लोग का रिन्यूएबल, और जो नॉन रिन्यूएबल जिसे हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते हैं वो है नॉन रिन्यूएबल। यानी कि देयर आर द रिसोर्स दैट कैन बी रिन्यू क्विकली और इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दस रिसोर्स आर कॉल्ड नॉन एग्जिस्टिबल रिसोर्स या फिर रिन्यूएबल रिसोर्स, और नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्स को, देयर आर द रिसोर्स दैट कैन नॉट बी रिन्यू क्विकली, इट टेक्स अ लॉट ऑफ ईयर फॉर दस रिसोर्स टू रिप्लेन्ड अगेन, ठीक है। दस रिसोर्स आर एग्जिस्टेंस, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स उसके बाद जो लास्ट है वो है बेसिस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, एक है ग्लोबल रिसोर्स और एक है लोकलाइज रिसोर्स। ग्लोबल यानी कि जो रिसोर्स हर जगह पे मिलता है, इसका दूसरा और एक नाम है वो है एबिक्विटी। तो ये जो रिसोर्स है ये हर जगह मिलता है, जैसे कि लैंड, एयर और वाटर, ये क्या है, हर जगह मिलता है। तो ये जो है ये है हम लोग का ग्लोबल रिसोर्स, और लोकलाइज रिसोर्स जैसे कि कॉपर, उसके बाद आयरन, ठीक है, ये क्या है, कोई भी एक स्पेसिफिक जगह पर मिलता है, यानी कि लोकल एरिया के ऊपर मिलता है, तो एरिया के ऊपर मिलता है बोल के ये रिसोर्स का नाम है लोकलाइज्ड रिसोर्स। तो ये हो गया हम लोग का रिसोर्स का टाइप्स ऑफ रिसोर्स, ठीक है। तो टाइप ऑफ रिसोर्स में यहाँ पर हम लोग का और भी है, ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स कौन सा है, ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू द नंबर एंड एबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स, मेंटल एंड फिजिकल, नंबर ऑफ एबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल मेंटल एंड फिजिकल। द ह्यूमन रिसोर्स इंक्लूड्स प्रोफेशनल who serve the society in any way, such as the tailor, teachers, lawyer, engineer, ठीक है। ये हो गया ह्यूमन रिसोर्स, ये
यानी कि जो क्या करते हैं कि जैसे कि टीचर क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, उसके बाद टेलर जो है वो कपड़े बनाते हैं, तो ये लोग क्या ये ह्यूमन के ऊपर ह्यूमन बीइंग्स है, और वो लोग क्या करते हैं फिजिकली और मेंटली उनका जो एबिलिटीज़ है एबिलिटीज़ को इंडिविजुअल यूज़ करके क्या करते हैं रिसोर्स को क्रिएट करते हैं। तो ये हो गया ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स का एग्जांपल क्या है, टीचर्स, टेलर्स, ठीक है, उसके बाद जो भी जितना भी काम करते हैं ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, समाज की सेवा के लिए, ठीक है, तो वो सब हो गया ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्स कौन सा, ह्यूमन मेड रिसोर्स द रिसोर्स क्रिएटेड बाय ह्यूमंस फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स टू प्रोड्यूस यूजफुल गुड्स आर रेफर टू एज अ ह्यूमन रिसोर्स, एग्जांपल रोड्स, डैम, ब्रिज। तो ह्यूमन ने क्या किया कि उन लोग का टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज को यूज करके क्या किए, डैम, ब्रिज, ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारा चीज वो लोग ने तैयार किए। तो ये जो टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज के ऊपर डिपेंड करके जो भी चीज़ बनाया गया है वो सब हो गया ह्यूमन मेड रिसोर्स, यानी कि ह्यूमन ने जो रिसोर्स को बनाया है, ठीक है, जैसा कि डैम, रोड्स, ये हो गया ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो रिसोर्स जो है, रिसोर्स को हम लोग को क्या करना है, इसके बाद जो टॉपिक है वो है रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स को डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग को क्या करना है, तो ह्यूमन रिसोर्स को डेवलपमेंट करने के इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल स्किल टू हेल्प हिम क्रिएट बेटर्स ह्यूमन मेड रिसोर्स इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यानी कि कोई भी एक रिसोर्स को, ठीक है, उसका क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग को इंडिविजुअली क्या करना पड़ेगा, हम लोग का जो स्किल है स्किल को और भी बेटर करके, और वो स्किल को यूज़ करके, ठीक है, वो स्किल को यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, और भी बेटर या और भी अच्छा जब हम लोग रिसोर्स बनाएंगे ह्यूमन मेड रिसोर्स, वही रिसोर्स को हम लोग कहेंगे, उसी चीज़ को हम लोग कहेंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यानी कि कोई भी एक चीज़ जैसे कि एक बिल्डिंग, ठीक है, ये बिल्डिंग में क्या हुआ, मॉडिफाई करके स्किल का हम लोग का स्किल जो है उसको यूज करके बहुत सारे डिजाइन बनाए, वो डिजाइन जो हमने किए, यानी कि रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स जो उसका क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। तो इसे ही हम लोग कहेंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसके बाद आएंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, यानी कि रिसोर्स जो है रिसोर्स का हम लोग को कंजर्वेशन करना है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स रेफर टू यूज नेचुरल रिसोर्स केयरफुली एंड सस्टेनेबली सो दैट दे कुड बी रिन्यू एंड कैन बी यूटिलाइज इन द फ्यूचर। यानी कि कंजर्वेशन का मीन्स क्या है, वो जो भी एक रिसोर्स है वो रिसोर्स को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के नेचुरल रिसोर्स को केयरफुली उसे यूज़ करेंगे और फ्यूचर के लिए उसे हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे, ठीक है, उसे हम लोग कहेंगे
क्या कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। तो नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, तो कंजर्वेशन क्यों करना है हम लोग को रिसोर्स को, तो इसके लिए वी नीड्स टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द रिसोर्स आर नॉन रिन्यूएबल एंड दस आर लिमिटेड इन स्टॉक्स। ओवर यूजेज ऑफ दस रिसोर्स कैन कॉजेस कंप्लीटली ऑफ द रिसोर्सेस, यानी कि रिसोर्स को हम लोग अगर केयरफुली यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, रिसोर्स खत्म हो जाएगा। और रिसोर्स जो है वो रिसोर्स क्या है, अनलिमिटेड नहीं है, यानी कि लिमिटेड है, ठीक है, लिमिटेड स्टॉक है, तो इसलिए उसे हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर की यूटिलाइज के लिए उसे हम लोग रख देंगे। और हम लोग का जो रिसोर्स का जो यूजेस है, यूजेस को अच्छी तरह से करेंगे। तो ये हो गया हम लोग का नीड्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसके बाद जो टॉपिक है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, सस्टेनेबल यूज फॉर द रिसोर्स ऑफ सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर टू केयरफुली यूटिलाइज रिसोर्स एंड बैलेंसिंग द नीड्स टू द यूज रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्वेशन फॉर द फ्यूचर जनरेशन। यानी कि रिसोर्स जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग्स है कि जो रिसोर्स है वो रिसोर्स को हम लोग क्या करेंगे, केयरफुली उसे यूटिलाइज करेंगे और उसका बैलेंसिंग जो नीड्स है उसको बरकरार रखेंगे और ये रिसोर्स जो है उसको यूज़ करेंगे, उसके साथ साथ उसे कंजर्वेशन करेंगे फ्यूचर के लिए। तो इसे ही हम लोग फ्यूचर जनरेशन के लिए, तो वही है हम लोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कुछ यूजिंग कंट्रीब्यूट बाय यूजिंग 5 R's, यानी कि चार चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है हम लोग को। एक है, फर्स्ट जो है वो है रियूज, उसके बाद रिफ्यूज, नंबर फोर रिपर्पज, एंड रिसाइकल। ठीक है, ये 5 चीज को हम लोग को ध्यान रखना है, रिड्यूस, उसके बाद रियूज, रिफ्यूज, उसके बाद रिपर्पज और रिसाइकल, यानी कि रिसोर्स जो है उसको हम लोग को रिसाइकल करना है। ये 5 चीज़ को हम लोग को ध्यान रखना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये बेसिक क्या है नीड्स। उसके बाद आएंगे सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कुछ प्रिंसिपल्स है, वो है वी शुड रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ठीक है, तो रिसोर्स के ऊपर हम लोग जितना भी यूज है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे और केयरफुल करेंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर 2, वन शुड ऑलवेज वर्क टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइव्स। नंबर 3, वी मस्ट कंजर्व द अर्थ विटालिटी एंड डाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी और विटालिटी जो है उसको हम लोग को कंजर्व करना है अर्थ का। वी नीड्स टू मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी रिसोर्स को कुछ यूज़ करते हैं, कुछ फेंक देते हैं, तो ये हम लोग को नहीं करना है। ठीक है, उसे सही तरह से जितना हम लोग को चाहिए उतना ही यूज़ करना है। चेंज पर्सन एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवर्ड्स द बेनिफिट ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, एनेबल एंड एडुकेट कम्युनिकेट्स टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट। तो हम लोग का एनवायरनमेंट जो है, एनवायरनमेंट को हम लोग को क्या करना है,
केयरफुल करना है हम लोग को इन्वायरमेंट के ऊपर, हम लोग का खुद का इन्वायरमेंट को अच्छी तरह से याद रखना है और इन्वायरमेंट को पोल्यूशन फ्री रखना है। ये है हम लोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सम प्रिंसिपल्स। तो आज की क्लास में इतना ही।